Well, you know, message for the YouTube Pakistan is really like to really believe in yourself. Louder? The message for Pakistan youth is to really believe in themselves because this is really the time where the nation must come together and believe themselves and get themselves together as an ummah. उसके अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि जैसा कि इकबाल ने भी बार बार अपनी सारी डॉक्टर ने फरमाया है कि मिल्लत के बगैर फ़र्द कुछ नहीं है, फ़र्द के बगैर मिल्लत कुछ नहीं। तो हम मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो हमारे साथ सब कुछ हो रहा है ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कंस्पिरेसी या जो भी आप इसको कह लें ज़ायनिस्ट कंस्पिरेसी और एनी मल्टी कॉरपोरेशन कंस्पिरेसी, बट वी नीड टू काउंटर इट विद टुगेदरनेस और अपने इस्लाम के फंडामेंटल्स के ऊपर यकीन रखते हुए उन सब के साथ अपना आपको यूनाइट रखना है। एंड वी नीड टू बी प्राउड ऑफ अस बीइंग मुस्लिम्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर हैज बीन स्प्रेड अबाउट अस एज द टेररिस्ट नेशन इज दैट्स नॉट ट्रू एंड यू हैव टू बिलीव इट टू फर्स्ट फॉर अदर पीपल टू बिलीव। थैंक यू। माय मैसेज टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट विद ऑल योर हार्ट, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स, जस्ट लुक इन योरसेल्फ। अगर आप सिर्फ अपना ही पार्ट प्ले कर देंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना जो आपका काम है उसको दिल से कर लेंगे, तो आई थिंक उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को पूछने की कि आपने क्या किया और आपने क्यों नहीं किया है सब। सो जस्ट लुक इन योरसेल्फ और स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स। मत सोचें कि किसी ने आपके लिए अच्छा किया है या बुरा किया है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस मुल्क ने आपको इतने साल दिए हैं, आप इतने अरसे से इस मुल्क में रह रहे हैं, तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप भी इस मुल्क को वो सब कुछ वापस लौटाएं। मैं हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ या कि कभी वो कॉन्सर्ट्स करता हूँ तो हमेशा मेरे यही मैसेज होता है कि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। और हमेशा से मैं रिप्रेजेंट करता रहा, लोग मुझे ये कहते रहे हैं कि आपने इंडिया जाके गाने गाए और ये वो एवरीथिंग। There's nothing wrong in it. Eventually, नाम सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का है। लोगों को इस बात का, कुछ लोगों को तो इस बात का भी नहीं पता था कि दुनिया में पाकिस्तान किस जगह पे है। लेकिन अच्छा, अच्छी बात ये हुई, यही पॉजिटिव बात है कि जब उन्होंने एल्बम सुनी और गाने सुने उसके बाद उनको पता लगा कि पाकिस्तान किस जगह पे। सो हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखना बंद कर दें, जितनी भी सारी यूथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको और बड़े यौम आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी एक नेमत है और एक नेमत की वजह से हम एक आज़ाद मुल्क और आज़ाद बाशिंदे हैं इस आज़ाद मुल्क के, और इसका क्रेडिट जाता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, उनके साथियों को जैसे शहीद मिलत लियाकत अली खान थे, और लाखों करोड़ों मुसलमानों को जिन्होंने इस जद्दोजहद में हिस्सा लिया। आप देखें कि हम 2009 में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। सियासत में बात कर रहा हूँ कि आप देखें कितनी बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान का बनना कायद आजम की क्यादत। आजकल कोई सियासत में आना चाहता है तो वो कहते हैं जी आपके पास पैसा है, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, आपके साथ अमेरिका है, फिर आप बात करें। कायद आजम हैड नो आर्मी, कायद आजम हैड नो एस्टेब्लिशमेंट, कायद आजम हैड नो बिग मनी विद हिम, कायदेज़म हैड नो सुपर पावर। ही हैड करेज, ही हैड कन्विक्शन, ही हैड कैरेक्टर, किरदार था। और आप देख लें कि ही फेस्ड नेशनलिस्ट मुस्लिम्स बोथ क्लीन शेवन एंड दोज विद बियर्ड्स हू अपोज्ड हिम, ही फेस्ड द हिंदू कांग्रेस, ही फेस्ड लॉर्ड माउंटबेटन हू वाज अपोज्ड टू पाकिस्तान। The British Empire was opposed to Pakistan, and despite the odds, he overcame those odds. ये important बात है। The difference was leadership, क्यादत। अब क्यादत क्या? आम leadership नहीं, जिसमें किरदार revolving around an unholy alliance of the urban and rural rich. Now new forces are coming into play, and it is these new forces, led by youth and women and middle class professionals, which is going to reshape, inshallah, the destiny of Pakistan. और वो असर्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जा रही है, जैसे कि इस चैनल के जरिए सुनी जा रही है, और वो आवाज अपनी मनवाएंगे और वो फैसले करवाएंगे। तो हमारी जो रवायती सियासतदान है, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, दैट हैज बीन ओवरटेकन बाय इवेंट्स, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल है। वी आर अ पिवोटल प्लेयर इन द मोस्ट स्ट्रेटेजिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड।
The entire international community's eyes are on Pakistan. They're taking Pakistan very seriously. Which way do we have? We are at a crossroads today. What kind of Pakistan? The Pakistan of the Qaid-e Azam and Allama Iqbal, the found us through the medieval ages. And who have nothing to do with Islam, who have nothing to do with humanity, and who have nothing to do with Pakistan's glorious ideals. So Pakistan mein qaum mein current hai, logon mein jaan hai, aur wo jaan demonstrate ki hui hai. Chahe jab Indian cricket team aati hai, jis tarah hum welcome karte hain, the warm welcoming Pakistani who are self-confident. Jab earthquake aata hai, ya IDPs aate hain, jisko welcome karte hain. Ye asal Pakistan hai, ye awam ka Pakistan hai, ye aapka Pakistan hai, ye naujawanon ka, khawateen ka, middle classes ka, professionals ka. और ये अब फोर्स पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये मुश्किल वक्त को भी हम ओवरकम कर लेंगे. द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान है, हमेशा कहता हूँ, एक वन वर्ड डिस्क्राइब्स है, इज रेजिलियंस. पाकिस्तानी कौम टफ है, स्टर्डी है, दे फेस क्राइसिस, दे कॉम्बैट क्राइसिस, दे ओवरकम क्राइसिस एंड देन दे बाउंस बैक एंड मूव ऑन. ये 47 में हमने किया था, ये 65 वॉर के बाद किया था, ये 71 में हमने किया था, उसके बाद किया था, ये हमने अफगान वॉर के बाद भी किया था, ये अर्थक्वेक के बाद भी किया था, और आपने देखा कि यही हमारी कैपेसिटी है और ये स्ट्रेंथ है हमारी, द रेजिलियंस ऑफ द नेशन, और वो ही दैट विल सी अस थ्रू इंशा. तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद. खुदा हाफिज़.